हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था। तो हम लोग इस क्लास में अब इससे आगे का क्वेश्चन मतलब 9 को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 9th क्वेश्चन है, वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इजकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रूफ नहीं करना है मुझे। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये होता है कि नहीं होता है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से नहीं जाएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पूरे को हमको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या ये सही है या नहीं रिलेशन ये, ठीक है ना बच्चों। तो चलो देखते हो, देखो आप लोग कैसे मैं करता हूँ। ओके तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो चलिए एक आप लोगों को मैं फॉर्मूला बताया था, और ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आप लोगों को फॉर्मूला में मैंने लिखवाया है, ठीक है ना, लिखवाया है ना फॉर्मूला में। तो ये फॉर्मूला है वैसे, तो इसको वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है कि कैसे ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छा भी होगा, ये पता भी लग जाएगा कैसे ये फॉर्मूला आया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको चेक करते हैं कैसे फॉर्मूला आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पढ़े हैं कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इजकल टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को दिख रहा है बहुत इजी है, दो तीन लाइन में हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस इसको अब हम लोग इधर लेके आएंगे, ये वाला पार्ट को किधर लेके आएंगे हम लोग, इधर। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इजिकल टू, अब इधर क्या बच जाएगा बच्चों, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, तो आप लोग देखते जाइए। अब देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो क्या कर लेंगे, एक्स प्लस वाई को कॉमन कर लेंगे। एक्स प्लस वाई को जैसे ही हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, हमें बड़ा कोष्ट का हम लोग बड़ा बिगर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं हम लोग। एक्स प्लस वाई को जैसे ही हम लोग कॉमन किए हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही तो निकला है ना, तीन था तो एक निकल गया तो दो बच गया। यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वाई तो बाहर है तो यहाँ पे बच गया 3xy, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिख दो सेम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा कि एक तरफ वाला तो हमारा आ गया है, अब एक तरफ को क्या करेंगे, सॉल्व करके हम लोग लाएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई तो रखेंगे ही, इसको अब क्या करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होता है प्लस 2xy होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है माइनस 3xy है पहले से, तो बस इजकल टू लिख दो सेम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब आप लोग देखते जाओ एक्स प्लस वाई, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, देखो यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे क्या है माइनस 3xy है, लाइक टर्म है कि नहीं, यहाँ पे xy है यहाँ पे भी xy है, ठीक है ना। तो ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म है तो देखो यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, 3xy बड़ा है, 2xy क्या है छोटा है, तो बड़े वाला का साइन क्या है बच्चों, माइनस का है, तो माइनस लिख देंगे। और 3xy में से 2xy गया तो कितना बचेगा, 1xy, 1 तो लिखते नहीं है तो सिर्फ हम लिखेंगे xy। ओके बच्चों, आपको सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस इसका इसका काम हो गया, अब क्या बचा है यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वायर बचा है बच्चों। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब देखो बच्चों ध्यान से, एक्स प्लस वाई ये देखो तो कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, हम कोई नहीं फॉर्मूला लगा है, तो हम क्या करेंगे, अब सॉरी यहाँ पे देखो इसको अब सजा के लिख देंगे। देखो तो हमारा प्रूव हो गया है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया है कि नहीं, तो हम लोग इसको सजा के लिख देंगे कैसे, कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इजकल टू एक्स
प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। ओके बच्चों, सब कुछ समझ में आया होगा, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ओके ना, आप लोग को इसी तरह करना है क्योंकि वेरीफाई करना था आप लोगों को। ओके, अब इसका एक पार्ट और है, देखते हैं आप लोग खुद कर लोगे अगर ऐसे। अब इस वहां पे क्या करना है, एक्स माइनस वाई का होल क्यू लगा देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा कि बताना पड़ेगा आप लोग को? चलिए बता ही देता हूँ आप लोग को। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजकल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला में ये लिखवाया है, ठीक है ना बच्चों, ये फॉर्मूला है आपको। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको पता भी लग जाएगा आपको। तो चलिए इसको कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यहाँ पे क्या होता है, माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई, यही होता है ना बच्चों फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे, सेम जैसे करते हैं किए थे अभी फर्स्ट पार्ट, उसी तरह करेंगे। तो इसको फिर इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब इधर क्या बच जाएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ओके, सबको समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई को कॉमन कर लो, दोनों में है एक्स एक्स माइनस वाई, तो क्या यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, थ्री एक्स वाई। ठीक है ना बच्चों, चलिए इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक्स माइनस वाई, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई इजकल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। बच्चों देखो कितना इजी है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम हलवा है एकदम। देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे ही। अब देखो माइनस टू एक्स वाई या प्लस थ्री एक्स वाई क्या है, सेम लाइक टर्म है कि नहीं, लाइक टर्म है। अब देखो छोटे वाला का साइन क्या है, माइनस में, बड़े वाला का साइन क्या है, प्लस में। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर होता है, जो बड़ा होता है उसी का हम साइन लेते हैं, तो ये प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस। अब थ्री एक्स वाई में से टू एक्स वाई गया तो कितना हो गया, वन एक्स वाई, वन लिखते नहीं है तो एक्स वाई हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे अब बच गया वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। देखो तो बच्चों हमारा वेरीफाई हो गया, तो देख लो इसलिए लिख दो अब यहाँ पे कि अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजकल टू क्या आ गया मेरा, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ओके बच्चों, सबको समझ में आया? ठीक है बच्चों, तब इसको आप लोग प्रैक्टिस करो 9th क्वेश्चन को, जितना भी इसमें हो गया है। आप लोग घर पे बैठे हो, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अभी इंस्टीट्यूट बंद है, तो अभी आप लोग वो यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़िए मन से, और जो भी आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट्स करिए, ठीक है ना, मैं समझाने की फिर से कोशिश करूँगा। और इंस्टीट्यूट जैसे ही आप लोग को ओपन होगा, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर इंस्टीट्यूट खुलेगा, तो फिर मैं वहाँ पर भी डिस्कस कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।